तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और ये हैं टाटा मोटर्स के मार्केटिंग हेड विनय पंजी। और इस समय हम लोग कोयम्बटूर में हैं और बहुत अच्छा वेदर है। थैंक्स इनवाइट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। मुझे ये जानना था कि ये टाटा मोटर्स ने ये जो अपना सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया अल्ट्रॉज रेसर, हैचबैक सेगमेंट में आती है और रेसर जैसा जो आप फील दे रहे हैं इंडियन कस्टमर्स को, ये कहाँ से आप ऐसी चाहत ला रहे हैं? क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन देना हैचबैक सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न वाली चीज़ें हो रही हैं। अगर आप कुछ समय से देखें तो हैच सेगमेंट जो है ये थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें एक सब सेगमेंट जो ग्रो कर रहा है या फ्लैट है वो प्रीमियम हैच सेगमेंट है जिसमें अल्ट्रोज आती है। और टाटा मोटर्स ने हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा कोशिश की थी, उसी की वजह से आज हम जहाँ भी हमारे जिस पैदान पे पहुँचे हैं वो उसी के बिला पर है। और इसलिए हमने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए अल्ट्रोज पे, और उसके लिए हम ये अल्ट्रोज लेकर के आए, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो यंग है, वो टेक सैवी है, उसको कुछ ना कुछ नया एक्साइटमेंट चाहिए होता है। और उस चीज़ में जो ये हमने रेसर निकाली है ये उस तरह से हर तरह से फिट होती है उस तरह की कस्टमर की। एक बहुत ही खास चीज़ मैंने नोटिस की इस कार को, मैंने अभी पहली बार देखा, वैसे मैंने फ़ोटो के माध्यम से देखा था, ये जो सिंबल है क्या है ये? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कैफे रेसर कॉन्सेप्ट है। तो ये जिस तरह से रेसिंग कार्स में स्ट्राइप्स होती हैं इसमें उस तरह की स्ट्राइप्स से दिया गया, क्योंकि जो हमारा ये कस्टमर है ये थोड़ा अपने को डिफरेंट दिखाना चाहता है, राइट? उसकी एक अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी कुछ अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में भी हल्का फुल्का दिखाना चाहता है। तो ये स्ट्राइप्स उसी का नतीजा है। और अगर आप गाड़ी चलती हुई देखेंगे सड़क पर, बहुत एक अट्रैक्टिव गाड़ी सी लग सकती है। तो ये इंस्पिरेशन कैफे रेसर वहाँ से है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रोज या फिर और भी आप अपने कारों में ऐसा कुछ वाइट पट्टी एंड रेसर एडिशन कुछ? अभी तो नहीं, अभी तो ये लेकर के आए हैं, इसका देखते हैं किस तरह से रिस्पांस रहता है। हमको पूरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा करेगी और उसके बाद फिर देखेंगे, बट अभी कोई ऐसा सोच नहीं। अपने सेगमेंट में, हैचबैक सेगमेंट में राइवल्स से क्या कुछ इसमें अलग है, यूएसपी क्या है, और सबसे जो बहुत ही खास चीज़ होती है सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ इसमें? तो सबसे पहले मैं सेफ्टी की बात करूंगा। ये पहली हैचबैक थी जिसने 5-स्टार NGNCAP हासिल किया था, और हम कभी भी उस चीज़ पे पीछे नहीं हटे हैं। टाटा मतलब सेफ्टी और सेफ्टी मतलब टाटा, ये सभी को पता है। तो उस समय से जब हम 5-स्टार GNCAP लेकर के आए थे, उसके बाद से हम 6 एयरबैग भी दे रहे हैं। सो सेफ्टी को हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी पहली गाड़ी जो कैफे रेसर में आप लेकर आ रहे हैं हैचबैक सेगमेंट में, तो क्या ये अभी आपका शोध है कि आप आने वाले टाइम में कस्टमर का जिस तरीके से इस कार के पास के प्रति रिस्पांस रहेगा उसको देखते हुए आप दूसरी गाड़ी में करेंगे, या फिर आप उसके लिए पहले से प्लान कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑटो एक्सपो में आप पहली बार आपने एज अ कॉन्सेप्ट दिखाया था कि हम ऐसा कुछ लाने वाले हैं, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे। और ऑटो एक्सपो के बाद अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल से अधिक हो गया है तो आप इस कार को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे ही क्योंकि टाटा हमेशा बहुत पहले से ही सोच के रखती है कि हम 2 साल बाद क्या लेकर आएंगे, क्या प्रोडक्ट होगा, R&D उस सब में टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ आप सही बोल रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हैचेस के साथ ज़्यादा बेटर जाता है, क्योंकि जिस तरह की मनूवरेबिलिटी एक हैच की होती है वो बड़ी गाड़ियों की इतनी नहीं होती। तो अभी तो हमने नहीं सोचा, लेकिन आगे के समय में पता नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, हो सकता है उस तरह का भी करें कुछ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंडियन कस्टमर को बहुत ज़्यादा कार भाई है, और जो टाटा रेसर कैफे रेसर एडिशन के तौर पे जो इसे पेश कर रही है उसे लोग बहुत अच्छे से पसंद करें। थैंक यू।